उनको कंपेयर करने को हम क्रॉस वैलिडेशन बोलते हैं और इसी तरीके से अगर आप डिफरेंट किस्म के डेटा को स्प्लिट करते हैं ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग के अंदर तो आप उन स्प्लिट्स को डिफरेंट जगहों से उठा के चेक करते हैं कि क्या ये मॉडल अननोन डेटा के ऊपर जनरलाइज करेगा या ओवर फिट होगा या अंडर फिटिंग होगा सो क्रॉस वैलिडेशन हम क्यों करते हैं किस वजह से करते हैं कैसे करते हैं ये सारी चीजों के आंसर इस लेक्चर के अंदर आपको मिलने वाले हैं मैं स्क्रीन आपके साथ शेयर करता हूं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन हमारे पास होती क्या है क्रॉस वैलिडेशन को अगर हम समझें तो यहां पे आप देख सकते हैं क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक टू ट्रेनिंग करते हैं ट्रेनिंग सेट इज यूज टू ट्रेन द मॉडल वाइल द टेस्ट सेट इज यूज टू अवैल द मॉडल ऑफ द परफॉर्मेंस हम ये दो काम करते हैं जब भी हम किसी चीज को क्रॉस वैलिडेशन के अंदर लेके जाते हैं ठीक है यहां तक आपको समझ आ गया होगा Now the next thing is, जब हम क्रॉस वेलिडेशन कर रहे होते हैं तो हमें किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ता है और क्रॉस वेलिडेशन हमें स्टेटिस्टिकली किस तरीके से रिजल्ट देती है होपफफुली इस क्वेश्चन का आंसर जो है ये आपको ऑलरेडी डिफरेंट किसम की वीडियो के अंदर मैंने दिया हुआ है बट इफ यू स्टिल वॉन्ट टू नो कि जब हम क्रॉस वैलिडेशन कर रहे होते हैं तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हेल्प आउट करती हैं टू अंडरस्टैंड क्रॉस वैलिडेशन तो हम अब यहां पे देखते हैं मैं स्क्रीन आपके सामने दोबारा से लेके आता हूं सो लेट्स सी हमारे पास यहां पे आप देख सकते हैं कि क्रॉस वैलिडेशन इज अ स्टेटिस्टिकल टेक्निक यूज इन मशीन लर्निंग एंड डेटा एनालिसिस टू अवेल्युएट हाउ वेल अ मॉडल इज एबल टू जनरलाइज टू द न्यू डेटा ठीक है यानी कि न्यू डेटा जब हमारे पास आएगा तो मॉडल कैसा परफॉर्म करेगा Problem, अगर कोई एक है, के हम को एक और उस नॉन डेटा के बाद हम एक नॉन डेटा और देते हैं जिससे हम टेस्ट करके देखते हैं मॉडल को जो ट्रेनिंग डेटा सेट है अक्सर हम एक ही किस्म का रखते हैं यानी कि पूरा मेरे पास सौ रोज का डेटा है मैंने अस्सी को ट्रेनिंग के लिए रख लिया बीस को टेस्टिंग के लिए रख लिया वो जो अस्सी मैंने ट्रेनिंग के लिए रखी है ना अब उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किस तरीके से हमने सो so, मैं दोबारा से पढ़ता हूं इन प्रॉब्लम अ मॉडल इज गिवन अ डेटा सेट ऑफ नॉन डेटा ऑन ट्रेनिंग ट्रेनिंग इज रन यानी कि डेटा सेट एंड अ डेटा सेट ऑफ नॉन डेटा और फर्स्ट सीन डेटा अगेंस्ट विच द मॉडल इज टेस्टेड कॉल द वैलिडेशन डेटा सेट और टेस्टिंग डेटा सेट इन वैलिडेशन और टेस्टिंग के बारे में हम बात भी करेंगे बट फॉर नाउ आई एम गोइंग टू से एक ट्रेनिंग होता है एक वैलिडेशन या टेस्टिंग डेटा सेट होता है तो बेसिक आइडिया क्या होता है ट्रेनिंग सेट जो होता है इसको ट्रेन करते हैं मॉडल के लिए यानी कि मॉडल को इस पर ट्रेन करते हैं वैलिडेशन सेट पे हम क्या करते हैं मॉडल की वैल्युएशन करते हैं यानी कि मॉडल की परफॉर्मेंस को हम चेक करते हैं तो ट्रेनिंग टेस्टिंग यहां पे क्लियर हो गया देन हमारे पास cross -validation, cross -validation के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन यानी कि क्रॉस वैलिडेशन की एक टेक्निक है उसको हम देखेंगे फिर टाइप ऑफ क्रॉस वैलिडेशन के अंदर हम देखेंगे के फोल्ड है 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 टेस्ट टेस्ट ट्रेन स्प्लिट लीव वन आउट क्रॉस 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 वैलिडेशन 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 टाइम सीरीज एंड ग्रुप सो हम बारी बारी देखते हैं क्या होती है सबसे पहले के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन क्या होती है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन का मतलब यह है कि आप डेटा को क्या करते हैं द अवेलेबल डेटा इज डिवाइडेड इन टू के इक्वल पार्ट और फोल्ड यानी कि एक डेटा सेट आपके पास है आपने उसको इक्वल चंक्स में डिवाइड कर लिया मेरे पास सो डेटा यानी कि मैं बीस बीस रोज के पांच सेट बना लेता हूं के का मतलब है नंबर ऑफ फोल्ड पांच होगा तो पांच फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन दो होगा तो टू फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। के फोल्ड का मतलब है कि एनी नंबर क्रॉस वैलिडेशन ठीक है

कि क्रॉस वैलिडेशन इज अ पावरफुल टेक्निक फॉर एवेलुएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड कैन हेल्प टू इंश्योर दैट आवर मॉडल्स आर एक्यूरेट रिलाएबल एंड एबल टू जनरलाइज ऑन अ न्यू डेटा सिंपल हम यही काम करते हैं कि हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट ना हो अंडरफिट ना हो जनरलाइज करे हमारे टेक्सटिंग डेटा पे तो टेक uh, क्रॉस वैलिडेशन के टाइप्स के फोल्ड जो मैंने अभी आपको बता दी फिर ट्रेन टेस्ट सब्लिट है जिसके अंदर हम क्या करते हैं ट्वेंटी एटी की रेशो रख के हम डेटा को डिवाइड करके आगे लेके चलते हैं फिर हमारे पास लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन है यानी कि हम सारे के सारे ट्रेनिंग और टेस्टिंग डेटा को सॉरी पांच फोल्ड अगर बना लिए एक को आउट कर देंगे बाकियों को हम ट्रेनिंग के लिए रख लेंगे लीव वन आउट क्रॉस वैलिडेशन फिर स्ट्रेटिफाइड क्रॉस वैलिडेशन है कि हम स्ट्रेटा बना लेते हैं हर सैंपल के और उसकी बेस पे डेटा को ट्रेन करते हैं टाइम सीरीज क्रॉस वैलिडेशन हर एक साल के अंदर डिफरेंट टाइम्स का हम डेटा लेके उसको वैलिडेट करते हैं देन हमारे पास ग्रुप क्रॉस वैलिडेशन है आपकी छोटी सी असाइनमेंट यह है कि आपने सभी क्रॉस वैलिडेशन टेक्निक को अच्छे से पढ़ना है ठीक है बट यहां पर हम जो काम करने वाले हैं मैंने ऑलरेडी नोटबुक प्रिपेयर की हुई है वी विल सी कि किस तरीके से क्रॉस वैलिडेशन काम करती है से फॉर एग्जाम्पल अगर यहां पे बात करें तो हमने सबसे पहले यहां से कर्नल साहब सिलेक्ट कर लेने हैं मेरे पास पाइथन एम का कर्नल आ गया आई का डेटा हमने लोड किया और मॉडल सिलेक्शन से हमने क्रॉस वेलिडेशन स्कोर जो है इसको हमने ले लिया सी क्रॉस वेलिडेशन स्कोर जैसे हमारे पास क्रॉस वेलिडेशन स्कोर आया फिर हम यहां पे एक मॉडल रन कर रहे हैं जिसका नाम है गौशियन नाइव बेस ठीक है यानी कि नाइव बेस मॉडल है जो क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है जिसको हम आने वाले दिनों के अंदर पढ़ने वाले भी हैं सो जस्ट टू गिव यू एन आइडिया ताकि आप नाइव बेस को अच्छे से देखें और उसको समझ सकें इस वजह से मैंने इस मॉडल को यहां पे लेके आया हूं सो so आयरस का डेटा हमने लिया हमने क्या किया मॉडल को यहां पे डिफाइन कर दिया अब हमने इसके बाद क्या किया यहाँ पे स्कोर हमने क्रॉस वेलिडेशन स्कोर लिखा मॉडल का नाम लिखा

अब इन सभी को जब हम मीन लेते हैं तो ये हमारे पास मीन एवरेज स्कोर इसका आ गया ठीक है यानी कि एवरेज स्कोर ये इनकी स्टैंडर्ड एवियेन है सो दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई कि आपका मॉडल हर किस्म के डेटा पे काम कर रहा है कि नहीं कर रहा और क्रॉस वैलिडेशन का मतलब ही ये होता है कि आप डिफरेंट किस्म की चीजों को यहां पे क्रॉस वेरीफाई करें के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट में क्या फर्क होता है आपको भी पता है कि हमारे पास जो डेटा यूजेज है उसमें भी फर्क है डेटा साइज में भी फर्क है, है और पैरामीटर एस्टिमेशन परफॉर्मेंस एस्टिमेशन में भी और कम्पिटिशनल टाइम के अंदर भी आप देखते हैं किस तरीके से ये फर्क आता है सबसे पहली चीज जब हमने इस पर काम करना है तो के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन एंड ट्रेन टेस्ट स्प्लिट आर टू पॉपुलर टेक्निक्स यूज इन मशीन लर्निंग टू अवेलो द परफॉर्मेंस ऑफ अ मॉडल हेर आर सम की डिफ्रेंसेस कौन कौन से डेटा यूजेज

ट्रेन और टेस्ट डेटा यहां पे दे देते हैं टी ट्वेंटी हो सकती है और आप साइज को डिफाइन कर सकते हैं यहां पे डेटा जो आपने दिया दूसरे की कम भी हो सकती है डेटा सेट इज रिलेटिवली स्मॉल तो ये तब यूज होता है जब डेटा सेट स्मॉल हो एज इट अलाउज फॉर बेटर यूज ऑफ अवेलेबल डेटा ट्रेन का स्प्लिट तब यूज होता है जब डेटा सेट लार्जर होता है परफॉर्मेंटिमेशन क्या है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन इज मोर एक्यूरेट एस्टिमेट ऑफ द मॉडल परफॉर्मेंस क्योंकि ये मल्टीपल इंडिपेंडेंट सबसेट सबसे डेटा सेट पे काम करता है इससे क्या होता है आपकी जो वेरिएंस ऑफ द परफॉर्मेंस एस्टिमेट एंड ओवरफिटिंग को ये कम कर देता है और ट्रेन टेस्ट स्प्लिट क्या करता है ये आपके मॉडल की परफॉर्मेंस को लेस एक्यूरेट बताता है लेकिन होता क्या है कि आपका डेटा जो है वो बेसिकली एक ही रेशियो के अंदर आ जाता है कम्पिटिशन टाइम देखा जाए तो कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन ट्रेन टेस्ट स्प्लिट इज नॉट कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव

पहला डेटा यूजेज का आ गया यहाँ पे दूसरा हमारे पास आएगा डेटा साइज का तीसरा हमारे पास आएगा जनाब मॉडल परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस चौथा कम्पिटेशन एंड हेयर इट कोर्स अब हम इसको दोबारा से देखते हैं कि किस तरीके से हमारे पास जो क्रॉस uh, वैलिडेशन है वो काम करती है फ्रॉम एसकेल एन मॉडल सिलेक्शन मैंने क्रॉस वैलिडेशन को यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया स्कोर को गोशन नाइफ बेस ले लिया ट्रेन टेस्ट स्प्लिट भी हमने ले लिया अब हम क्या करते हैं पांडाज और नम्पाई के थ्रू हमने डेटा टिप्स का लोड किया तो ये आप एक और तरीके से भी डेटा लोड कर सकते हैं कि टिप्स के डेटा सेट का यहाँ पे आप यू दें मैं आपको अपनी स्क्रीन दोबारा से दिखा देता हूं यहां पे अगर आप गौर करें तो हम क्या कर रहे हैं ओवरऑल यहाँ पे एस केल मॉडल सिलेक्शन इम्पोर्ट क्रॉस वैलिडेशन स्कोर हमने किया गौशन नाइफ बेस मुगाली टेस्ट ट्रेन टेस्ट सप्लेट यहाँ पे ले आए पांडा एंड हम्पाई ले आए डेटा हमने यू से ले लिया कोई भी यू अगर आप डालेंगे तो पांडास डायरेक्टली यू से भी डेटा को फैच कर लेगा तो मैंने ये गिटअप की एक रेपोजिटरी जहां से डेटा लिया आप ये भी ले सकते हैं एस से भी लोड कर सकते हैं हमने तीन जो है वो एक्सपेराीटर ले लिए साइज टिप एंड टोटल बिल और यहां पे सेक्स को हमने वाई रख लिया जिसको हमने टारगेट वेरिएबल बताया डिफाइन हमने गोशियन नाइफ बेस मॉडल कर लिया सिंपली गोशियन नाइफ बेस मॉडल यहाँ पे आ गया एंड देन हमने क्या किया के फोल्ड क्रॉस वेलिडेशन टेक्निक लगाई तो क्रॉस वेलिडेशन यहाँ पे लिखा नाइफ बेस हमारा मॉडल आ गया जो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है इसको आप मॉडल भी लिख सकते हैं और सभी की एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड एवियशन में यहाँ पे प्रिंट आउट करता हूँ सो यू कैन सी हमारे पास ऑन एन एवरेज पॉइंट फाइव सेवन है लेकिन ऑन द अदर साइड हमारे पास स्टैंडर्ड एवियशन इतनी है अगर मैं इसी को नाइन क्रॉस वैलिडेशन के अंदर लिखूं सो so, आपके पास जो एक्यूरेसी है वो तकरीबन सेम ही रहेगी हेयर इट गोज और इस तरीके से आप क्रॉस वेलिडेशन को यूज कर सकते हैं ठीक है इसको फिर हम प्लॉट भी करेंगे अपनी आने वाली वीडियो के अंदर